हेलो एवरीवन, जो न्यूमेरिकल्स मैंने दिखाए हैं एरर्स के लिए उनका सॉल्यूशन किस टाइप से आपका बनेगा ये आप यहाँ पे गौर से देखें। जैसे जो आपके न्यूमेरिकल्स थे उनमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें आपको लेंथ और ब्रिथ गिवन है। लेंथ एल गिवन है, एल इक्वल 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और ब्रिथ आपको गिवन है बी इक्वल, ये आपका है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू गिवन है। अब इनके लिए जो है आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन आपने देखा था अभी, फाइंड करना है आपको एरिया में एरर फाइंड करनी है, एरिया में कितना एरर आएगा उस एरिया की वैल्यू, मतलब कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर्स लिमिट। आपको फाइंड करना है डेल ए प्लस माइनस डेल ए, ये फाइंड करना है। जैसे लेंथ यहाँ गिवन है इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपको बेटा एरिया फाइंड करना है। देखो बेटा, सबसे पहले इसके लिए डेल्टा ए की वैल्यू आप फाइंड करें, डेल्टा ए क्या रहेगा, डेल्टा ए अपॉन जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल बाय डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा बी अपॉन बी, तो यहाँ पे डेल्टा ए इक्वल बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पे एरिया लिख देंगे यहाँ पे एल इंटू बी, एल इंटू बी लेंथ टू विड्थ, डेल्टा एल ए यहाँ पे 0.1, एल ए 5.7 प्लस डेल्टा बी यहाँ 0.2, ये आपका 3.4 और एल लेंथ 5.7 और प्लस ये रहा आपका 3.4। इसका सॉल्यूशन आप इनमें देखें जरा टाइम को देखते हुए, देखिए ये बनेगा आपका 0.02 प्लस 0.06। और इनका जो मल्टीपल आप करेंगे, मल्टीपल आपका बचेगा यहाँ पे 19.4। आप इन्हें ऐड करें, ऐड करने पर 0.08 इंटू 19.4, आपकी जो वैल्यू यहाँ फाइंड हुई, ये वैल्यू फाइंड होती है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो एरिया आपने यहाँ फाइंड किया लेंथ के ऊपर, देयरफॉर ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल एरिया है 19.4 प्लस माइनस इधर है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन सेकंड था आपका, आ ग्लास प्लेट लेंथ गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, एल गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और ब्रिथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। इनके लिए आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट की एरिया को फाइंड करें मैक्सिमम पॉसिबल, तो आपको फाइंड करना है डेल्टा ए परसेंटेज, और डेल्टा ए फाइंड करना है। देखो बेटा, डेल्टा ए लेंथ जो फॉर्मूला आपका यहाँ फॉर्मूला डेल्टा ए फाइंड कर क्या बनेगा, ये लिखते हैं डायरेक्ट एरिया, तो इसी से फाइंड किया गया ना आपने, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एल इंटू बी, बेटा वैल्यू पुट अप करते हैं डेल्टा एल। अब डेल्टा एल डेल्टा बी फाइंड कैसे करें, इनके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी, कि जैसे एल की वैल्यू ये, तो डेल्टा एल होगा आपका पॉइंट, ये पॉइंट लगा, ये लास्ट में बन जाएगी, डेल्टा बी के लिए पॉइंट या पॉइंट लगाएंगे लास्ट में लिख दीजिए और पहले जीरो आपको शॉर्ट ट्रिक है। डेल्टा ए इक्वल ये बनेगा 0.1 अपॉन 3.5 प्लस 0.1 अपॉन 1.5, एल इंटू बी, एल है आपका 3.5, बी है आपका 1.5,
जब आप इनको बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा, ये वैल्यू बनी आपकी 0.095 और ये वैल्यू आपकी मल्टीपल करने पर एरिया की वैल्यू बनी यहाँ पे। सभी एक साथ भी आप ले सकते हैं जो वैल्यू इनका सॉल्व करेंगे बना 3.5 × 1.5 तो रिटर्न टू एरिया वैल्यू निकल 0.5 निकल गया है, 0.5 आपका। अब जो है स्टेप्स इसके ये वैल्यू कौन होगी। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में गिवन है आपको, इसमें आपको लेंथ गिवन है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है आपको इसमें 3.4 सेंटीमीटर, इट इज 3.4 सेंटीमीटर। आपको इसमें जो और कंडीशन गिवन है इसमें कहा गया है बाई एन ऑर्डनरी स्केल रीडिंग अप 2.1 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा इसके लिए 0.1 है और इसके लिए डेल्टा भी 0.1 है। आपको इसमें फाइंड करना है एरिया में परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया कितना परसेंटेज, मतलब फाइंड परसेंटेज इन द एरिया ऑफ द सीट। देखिए बेटा तो फॉर्मूला आपका डेल्टा ए अपॉन ए इन 200, डेल्टा एल अपॉन एल इन 200, डेल्टा पी अपॉन पी इन 200। आप डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.1, एल 5.7 इन 200, डेल्टा बी की वैल्यू 0.1, 3.4 इन 200। इनकी जो वैल्यू यहाँ फाइंड हुई, ये वैल्यू फाइंड हुई 1.8 है, ये हुई 2.9, ये बन के आई पर्सेंटेज टोटल 4.7 ऑफ सेंटीमीटर परसेंटेज। ये किसमें परसेंटेज है, डेल्टा ए परसेंटेज स्टेप से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें बेटा, स्टे ट्यून्ड टुवर्ड्स बोर्ड। ईटा आपको ईटा का फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, ईटा इक्वल गिवन है पाई पी आर फोर अपॉन 8 QL, जबकि इन सब की वैल्यू गिवन है आपको, पी प्रेशर गिवन है आपको कितना 76 सेंटीमीटर, प्रेशर गिवन है 76 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है बेटा आपको, रेडियस गिवन है 0.28 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू यहाँ पर आपको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड लेंथ गिवन है आपको, लेंथ की वैल्यू है 18.2 सेंटीमीटर। इससे डेल्टा पी फाइंड हो जाएगा, रूल्स मैंने अभी बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा आर फाइंड हो जाएगा, डेल्टा क्यू इससे फाइंड हो जाएगा, इससे फाइंड हो डेल्टा एल। देखो कैसे मैंने बताया था आपको, पॉइंट लगाई लास्ट में मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगाई लास्ट में मान लीजिए, बीच में एक नंबर सौ और नॉन जीरो तो आप या पॉइंट एरर्स ऐसे एरर्स के भी टाइप फॉर्मूले होते हैं फाइंड करने, इसके लिए आपको फॉर्मूला फॉर्म करना है। तो जब पी आर क्यू एल में फॉर्म कर, डेल्टा ईटा अपॉन ईटा इन 200, जरा आप पी के लिए पाई और एट तो कॉन्स्टेंट है, डेल्टा पी अपॉन पी इन 200 फोर मल्टीपल में आए, डेल्टा आर अपॉन आर इन 200, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन 200, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एट कॉन्स्टेंट है प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इन 200। इन सब की वैल्यू कब की, डेल्टा पी आपका 0.1 अपॉन 76.0 इन 200, 4 इन टू डेल्टा आर 0.01 अपॉन 0.28 इन 200 प्लस 0.1 अपॉन 1.2 इन 200 प्लस 0.1 अपॉन 18.2 इन 200। ये
यहाँ जो वैल्यू आपकी फॉर्म में थी ये बचता है आपका 0.13 यहाँ रहा, सॉल्व करने पर प्लस 4 × यहाँ वैल्यू रही 3.57, प्लस ये वैल्यू रही 8.33, प्लस ये वैल्यू रही 0.55, घंटा निकल के आया 23.3 डेल्टा ईटा पर। इस टाइप से आप बेटा फाइंड करना सॉल्व करने पर। नाउ लास्ट क्वेश्चन आप देखें, वोल्टेज वी गिवन था आपको इक्वल 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, मतलब इसका मीन्स है आपको 100 वोल्ट है लेकिन 5 वोल्ट कम भी हो सकता, 5 वोल्ट बढ़ सकता है। ये वोल्टेज करंट की वैल्यू आई की वैल्यू गिवन है आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये वैल्यू यदि वी है तो ये आपका डेल्टा भी माना जाएगा और ये आई है तो ये वैल्यू डेल्टा आई मानी जाएगी। तो आपको इसमें रेजिस्टेंस के लिए परसेंटेज एरर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में देखे बेटा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, एरर का फॉर्मूला ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, वी के लिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस कंट्री डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। वैल्यू पुट अप करते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू है 5 अपॉन 100 × 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 × 100। इनकी आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये आपका डेल्टा परसेंटेज यहाँ चल रहा है, जो वैल्यू आपकी फाइंड हुई ये आपका 5%, ये आपका 2%, इधर 7%। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।